वेलकम टू एम्बिशियस बाबा डॉट कॉम आज पजल के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे पजल का पहला टाइप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं एट बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर कैप्ड वन अबव द अनदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर थ्री बॉक्सेज आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड वी तो देखिए जब बॉक्स की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं इनकी पोजीशंस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक like यहाँ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एट बॉक्सेज हैं टोटल तो हम एट पोजिशन्स बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो ये हमारे लिए बॉक्स की पोजिशन होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नेम ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे जो उनके नेम हमें गिवन है अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन डब्ल्यू एंड वी एंड नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप और बॉटम तो बोला गया डब्ल्यू और वी के बीच तीन बॉक्सेस हैं अगर बॉक्स तीन हैं तो इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन जो है वो फोर्थ हो जाएगी ठीक है और इनमें से कोई भी टॉप या बॉटम में नहीं है यानी सबसे ऊपर डब्ल्यू वी नहीं हो सकता और ना ही सबसे नीचे वाली पोजिशन पर डब्ल्यू और वी हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट तो यहां पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है टू बॉक्सेज आर बिटवीन यू एंड आर एंड बॉक्स यू इज अबव बॉक्स आर तो बॉक्स यू जो है वो आर के अबव है और इन दोनों के बीच दो बॉक्सेस हैं बॉक्सेस अगर दो हैं तो इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन थर्ड हो जाएगी इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन थर्ड हो जाएगी यानी इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो हम यह कह सकते हैं आर से थर्ड प्लेस ऊपर की ओर यू को रख देना है आर से थर्ड प्लेस ऊपर यू आ जाएगा टू बॉक्सेस आर बिटवीन वी एंड आर ओके अब देखिए वी और आर के बीच दो बॉक्सेस हैं यानी वी से आर की पोजिशन थर्ड हो जाएगी वी से आर की पोजिशन थर्ड हो जाएगी द नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस इज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू इज सेम एज बिटवीन पी एंड वी ओके बोला गया जितने बॉक्सेस पी और डब्ल्यू के बीच होंगे उतने ही बॉक्सेस पी और वी के बीच होंगे इसका मतलब है कि अभी यह बॉक्स कितने ये मैंशन नहीं हमने मान लिया लस से यहां एक्स बॉक्स होंगे तो अगर डब्ल्यू और पी के बीच एक्स बॉक्स होंगे तो पी और वी के बीच भी नंबर ऑफ बॉक्सेस एक्स ही होंगे ठीक है ना चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है बॉक्स एस इज अबब बॉक्स टी ओके टी के ऊपर एस होगा कहीं कितने बॉक्सेस ऊपर होगा पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन जहां भी होगा वो टी के ऊपर कहीं एस होगा बॉक्स टी इज नॉट एट द बॉटम पोजीशन ओके टी भी बॉटम पोजीशन पर नहीं है तो हमारे पास कुछ इतनी इन्फॉर्मेशंस यहाँ गिवन है इन्हें हमें प्लेस करना है चलिए इसे प्लेस करने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग W और V को प्लेस करने की कोशिश करते हैं अब देखो W और V की पोजीशन आपस में फोर्थ है और हमें पता है कि W और V दोनों के बीच कहीं P को भी आना है W और V के बीच कहीं P को भी आना है तो आप ऐसा कर सकते हैं चूँकि P इन दोनों के ठीक मिडिल में होना चाहिए तो हम कह सकते हैं W से सेकेंड प्लेस पर P और P से सेकेंड प्लेस पर V चूंकि W और V दोनों के एग्जैक्टली exactly मिडिल में P को आना है और हमें पता है W से V की पोजीशन फोर्थ थी इसका मतलब एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट के लिए सेकेंड और सेकेंड प्लेस में इसे डिवाइड करना होगा ठीक है चलिए तो ज़रा इन्हें प्लेस करके देखते हैं तो W से सेकेंड प्लेस पर P और P से सेकेंड प्लेस पर V इसे अगर प्लेस किया जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है यहां पर देखिए W को हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं रख सकते अगर हम W को सेकेंड प्लेस पर रखें तो W से सेकेंड प्लेस नीचे अगर P को रखें फर्स्ट एंड सेकेंड P और P से सेकेंड प्लेस नीचे फर्स्ट सेकेंड V आ सकता है अब देखिए V से थर्ड पोजीशन पर R आना चाहिए V से थर्ड पोजीशन पर R। देखिए V के नीचे थर्ड पोजीशन पर तो R पॉसिबल नहीं है और वी के ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन पर अगर हम आर रख दें तो देखिए आर से जुड़ी ये भी जानकारी है कि आर के थर्ड प्लेस ऊपर यू आना चाहिए और आर के थर्ड प्लेस ऊपर हम यू को प्लेस नहीं कर सकते इसका मतलब क्या निकलता है कि बेटा हम डब्ल्यू को सेकंड पोजीशन पर प्लेस नहीं कर सकते अब अगर हमारा डब्ल्यू सेकंड पोजीशन पर प्लेस नहीं हो सकता तो अब W को थर्ड प्लेस पर रखकर देखो अब देखिए अगर W को थर्ड प्लेस पर रखें तो देखिए इससे सेकेंड प्लेस नीचे अगर P को रख रहे हैं और इससे सेकेंड प्लेस नीचे V को रख रहे हैं तो V से थर्ड प्लेस पर R फर्स्ट सेकेंड थर्ड R आ जाएगा और R से थर्ड प्लेस ऊपर U फर्स्ट सेकेंड थर्ड U आ सकता है जी बिल्कुल आ सकता है तो ये एक कंडीशन बन सकती है ठीक है क्लियर और बोला गया टी के ऊपर कहीं एस आना चाहिए टी के ऊपर कहीं एस आना चाहिए और टी बॉटम पर आ नहीं सकता तो बेटा टी को हम लोग यहां प्लेस कर लें और टी के ऊपर कहीं एस को रख लें और इनमें से बचा कौन क्यू तो लास्ट पोजीशन पर हम किसे प्लेस कर लेंगे क्यू को प्लेस कर लेंगे तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ये सारे लेटर्स की पोजीशन हमारी बन गई है बॉक्सेस की यू एस डब्ल्यू आर पी टी वी एंड क्यू तो कुछ इस तरीके से हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए अगर आपको सीट के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वन बाई वन सारी पॉसिबल कंडीशन को वेरीफाई करते जाएंगे और इनकी सीटिंग पोजीशंस के बारे में फाइंड आउट करेंगे ओके okay देन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है टेन बॉक्सेस एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आर प्लेस वन अबव द अदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर बॉक्स नंबर वन इज एट द बॉटम एंड बॉक्स नंबर टेन इज एट द टॉप यानी इस बार इनकी पोजिशन की नंबरिंग हमें करने के लिए बोला गया है टोटल टेन बॉक्सेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन अब इनकी पोजीशंस जो है वो बताया गया है क्या टॉप में नंबर टेन है यानी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और ये हमारे बॉक्सेस हो जाएंगे ठीक है बॉक्स ओके okay. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है देर आर टू बॉक्सेस बिटवीन आर एंड यू आर और यू के बीच दो बॉक्सेस हैं यानी इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन थर्ड हो जानी है अभी ये नहीं पता ऊपर कौन नीचे कौन इसलिए एरोमार्क हमने प्लेस नहीं किया बॉक्स वी इज प्लेस्ड एट द बॉटम तो बॉक्स वी के बारे में बता दिया गया बॉक्स वी बॉटम में है देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स एल एंड बॉक्स पी तो एल और पी के बीच तीन बॉक्सेस हैं यानी इनकी पोजीशन फोर्थ हो जानी है ठीक है नेक्स्ट बॉक्स यू इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर पोजिशन तो बॉक्स यू की प्लेसमेंट कहीं इवन नंबर पोजिशन पर होगी तो या तो यहां हो या फिर यहां हो या फिर यहां हो या फिर यहां हो यानी U को प्लेस करने के लिए अभी हमारे पास पांच पोजीशन है टू फोर सिक्स एट टेन इन्हीं में से किसी एक पर आएगा टू फोर सिक्स एट और टेन में किसी एक पोजीशन पर U आएगा ठीक है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है बॉक्स N इज एट एट नंबर पोजीशन। तो आठवां नंबर जो पोजीशन है यहां पर एन है यानी यू की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई नेक्स्ट बॉक्स ओ इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एन। एन के ठीक नीचे ओ आ जाना है तो यहां हमने ओ को प्लेस कर लिया तो बॉक्स ओ इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एन एंड इमीडिएटली अब बॉक्स पी इसका मतलब ओ जो है एन के ठीक नीचे और पी के ठीक ऊपर एन के ठीक नीचे और पी के ठीक ऊपर तो अब सिक्स प्लेस पर पी आ गया यानी यू की ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई ओके नेक्स्ट क्या है बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड यू ओके टी जो है वो एस और यू के बीच में है यानी एस टी यू ऐसा कोई सीक्वेंस बनेगा यानी ये तीन लगातार आने चाहिए एस टी यू ठीक तो एस टी यू अगर तीन लगातार आने चाहिए तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं ये हम लोग देखते हैं ठीक है क्योंकि हमें पता है यू एक दो और तीन पोजिशन्स पर आ सकता है अगर यू को यहां रखें तो एक प्लेस पर टी तो आ जाएगा लेकिन इसके बाद दूसरी प्लेस पर एस पॉसिबल नहीं है यानी ऊपर में यू पॉसिबल नहीं अब यू की ये दो कंडीशन बच रही हैं हमारे पास ठीक है अगर हम यू को यहां रखें तो यू के नीचे टी और टी के नीचे एस आ सकता है केस नंबर टू अगर हम यू को यहां रखें तो ऊपर टी और यहां एस तो यानी यू एस टी तो इन्हीं इन्हीं में से एक पोजीशन पर आएगा अब यह भी ध्यान रखना है कि यू से थर्ड प्लेस पर हमें पुट करना है आर को यू से थर्ड प्लेस पर आर आना चाहिए अब देखो यू अगर यहां हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नीचे भी आर नहीं आ सकता और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऊपर भी आर नहीं आ सकता इसका मतलब यू को हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि इससे थर्ड प्लेस पर आर हमारे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यहां कंफर्म हो जाएगा एस और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहां कंफर्म हो जाएगा U. तो सो so दैट S और U के बीच कौन आ जाए T आ जाए S और U के बीच कौन आ जाए T आ जाए अब U से थर्ड पोजीशन पर R. U से फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पर R. और बोला गया था L से P की पोजीशन फोर्थ होनी चाहिए अगर P यहां है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां आ जाएगा L अब इनमें से बचा एक दैट इज M तो L M N O P R S T U V ये सीक्वेंस इनका बन जाता है ओके okay. चलिए जरा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं तीसरा क्वेश्चन एट बॉक्सेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स तो अब हमें बॉक्स के मटेरियल्स भी मैंशन हैं चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन है एट बॉक्सेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और उनके कुछ वेट्स गिवन है तो हमें दो इंफॉर्मेशन चीज दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है तो हमने ये दो चीज़ें बना ली एक इनके मटेरियल्स और दूसरा इनके वेट के लिए कॉलम ओके एट मटेरियल्स है हमारे पास ये हमने बना लिया तो एक कॉलम है इनके मटेरियल का और दूसरा है इनके वेट का आगे बढ़ते हैं जरा देखते हैं टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स weighing 200 ग्राम एंड फोर ग्राम तो 200 और 400 ग्राम वाले बीच के बीच बॉक्स के बीच मैं बार बार ग्राम नहीं लिखूंगा दो बॉक्सेज हैं यानी इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन जो हो जाएंगी वो थर्ड हो जाएंगी ओके okay, नेक्स्ट क्या है द नंबर ऑफ बॉक्सिस बिटवीन स्टील बॉक्स इज द नंबर ऑफ बॉक्सेज बिलो स्टील बॉक्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेज अबब स्टील बॉक्स ओके तो यह बोला गया कि स्टील बॉक्स के नीचे जितने बॉक्सेज होंगे वो ज्यादा होने चाहिए स्टील बॉक्स के ऊपर के नंबर ऑफ बॉक्सेस से इट मीन्स स्टील बॉक्स के नीचे एक्स प्लस यानी ज्यादा अमाउंट होगा और स्टील बॉक्स के ऊपर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होंगे यानी एक्स माइनस में अमाउंट होगा ठीक है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन स्टील एंड गोल्ड बॉक्स तो स्टील और गोल्ड बॉक्स के बीच एक ही एक बॉक्स है तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं स्टील और गोल्ड के बीच एक बॉक्स है तो ये स्टील और स्टील से सेकेंड प्लेस पर गोल्ड बॉक्स है ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन आयरन बॉक्स एंड एल्यूमिनियम बॉक्स तो आयरन और एल्युमिनियम के बीच तीन बॉक्सेस हैं तो आयरन से एल्युमिनियम की पोजीशन फोर्थ होगी तो आयरन से फोर्थ प्लेस पर एलुमिनियम बॉक्स कर दिया हमने ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द डिफरेंस बिटवीन वेट्स ऑफ प्लास्टिक एंड प्लैटिनम बॉक्सेस थ्री फिफ्टी ग्राम तो प्लास्टिक और प्लैटिनम इनके बीच जो वेट का डिफरेंस बताया गया वो साढ़े तीन सौ ग्राम का है तो अगर इनके बीच वेट का डिफरेंस साढ़े तीन सौ ग्राम का है तो हमारे पास दो ही ऐसी वैल्यू हैं जो वेट्स में गिवन है जिनका डिफरेंस साढ़े तीन सौ आ सकता है वन इज फिफ्टी एंड द अदर वन इज़ फोर हंड्रेड इसका मतलब प्लास्टिक या प्लैटिनम में से किसी एक की वेट फिफ्टी होगी दूसरे की फोर हंड्रेड होगी सो दैट कि दोनों के बीच का डिफरेंस थ्री फिफ्टी ग्राम का आ जाएगा ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देर आर टू बॉक्सेज बिटवीन एलमिनियम बॉक्स एंड द बॉक्स विच वेज वन फिफ्टी ग्राम तो एल्यूमिनियम और 150 ग्राम वाले बॉक्स के बीच दो बॉक्सेस हैं यानी इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन जो है वो थर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट द प्लैटिनम बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द प्लास्टिक बॉक्स ओके ये एक इंफॉर्मेशन दे दी गई कि प्लास्टिक बॉक्स जो भी है उसके नीचे प्लैटिनम बॉक्स होगा प्लास्टिक बॉक्स के नीचे प्लैटिनम होगा कितने है नीचे ये मैंशन नहीं है पोजिशन मेंशन नहीं है लेकिन नीचे होगा ठीक है चलिए तो ये हमने प्लास्टिक के नीचे प्लेटिनम बॉक्स लिया नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन वुडन बॉक्स एंड बॉक्स विच वेज थ्री हंड्रेड ग्राम्स तो वुडन और थ्री हंड्रेड ग्राम के बीच 300 हंड्रेड ग्राम वाले बॉक्स के बीच तीन बॉक्सेस हैं यानी इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन फोर्थ होगी इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन फोर्थ होगी ओके नेक्स्ट क्या है द डिफरेंस बिटवीन द वेज ऑफ सिल्वर एंड वुडन बॉक्सेस 250 ग्राम तो सिल्वर और वुडन के बीच का भी वेट का डिफरेंस हमें दे दिया गया है और वो दिया गया है सिल्वर और वुडन के बीच 250 ग्राम का ठीक है तो यहां अगर हम अप, अपने वेस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो केवल एक ऐसा कॉम्बिनेशन अभी बच रहा है जहां इनके बीच 250 फिफ्टी ग्राम्स का डिफरेंस आ जाए अगर इनमें से एक हंड्रेड हो और दूसरा थ्री फिफ्टी हो अगर हम अगर हम लोग फोर हंड्रेड और वन फिफ्टी लेंगे तो फोर हंड्रेड ऑलरेडी प्लेटिनम या प्लास्टिक में से किसी एक का होना है इस वजह से सिल्वर और वुडन के लिए हम 400 या 50 ग्राम का यूज नहीं कर सकते थे तो हमारे पास इसके अलावा जो भी वेट्स बचे जहां 250 का डिफरेंस आ सकता है वो सिर्फ है 100 और 350, दोनों के बीच देखिए 250 ग्राम का फर्क आ जाएगा तो यहां से हम यह ये कह सकते हैं सिल्वर या वुडन में से किसी एक की वेट 100 होगी और दूसरे की वेट 350 फिफ्टी ग्राम्स होगी ओके नेक्स्ट देखिए बॉक्स वेंग थ्री ग्राम इज बिलो द गोल्ड बॉक्स तो जो गोल्ड बॉक्स है इसके नीचे 350 ग्राम वाला बॉक्स होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए द हंड्रेड ग्राम बॉक्स इज प्लेस्ड अब 50 ग्राम ओके okay. जो 100 ग्राम वाला बॉक्स है वो ऊपर है किसके ऊपर है 50 ग्राम वाले बॉक्स के ऊपर है ठीक है द हेवीएस्ट बॉक्स इज ईदर एट द टॉप ऑफ ऑल बॉक्सेस और एट द बॉटम तो या तो 400 ग्राम सबसे नीचे होगा या 400 ग्राम सबसे ऊपर इन्हीं दो जगह में से 400 ग्राम आना चाहिए ठीक है ओके okay. नेक्स्ट क्या है द स्टील बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स वेइंग 200 हंड्रेड ग्राम्स तो जो स्टील बॉक्स है वो 200 ग्राम वाले बॉक्स के ठीक ऊपर है यानी आप ये कह सकते स्टील बॉक्स जो है उसके ठीक नीचे 200 ग्राम वाला बॉक्स आएगा स्टील बॉक्स के ठीक नीचे 200 ग्राम वाला बॉक्स आना चाहिए ठीक और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए आयरन बॉक्स इज जस्ट अब द गोल्ड बॉक्स ओके जहां गोल्ड बॉक्स होगा उसके ठीक ऊपर आयरन बॉक्स आना चाहिए तो आपको यह भी यहां लिख दे रहा हूं मैं गोल्ड और गोल्ड के ठीक ऊपर आयरन बॉक्स आना चाहिए गोल्ड के ठीक ऊपर आयरन बॉक्स ठीक है ओके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स 350, okay. 350 ग्राम ग्राम एंड 50 इज पोजीशन फोर्थ या फोर्थ से ज्यादा होनी चाहिए फोर्थ या फोर्थ से ज्यादा होनी चाहिए इनकी पोजिशन रेस्पेक्टिव पोजिशन ठीक है चलिए तो हमारे पास कुछ इतनी इंफॉर्मेश अब कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखिए चूंकि स्टील बॉक्स के ऊपर कम बॉक्सेज होंगे और नीचे ज़्यादा होंगे तो हम ये कह सकते हैं स्टील बॉक्स कहीं ना कहीं टॉप के चार बॉक्सेज में से एक होगा तभी तो ऊपर के बॉक्सेस कम और स्टील के नीचे नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा पॉसिबल होंगे ठीक है चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 400 हंड्रेड ग्राम्स को लेकर दो पॉसिबल कंडीशन मिली है बताया गया था हेवीएस्ट हेवीएस्ट हमारे पास 400 की वैल्यू है वो या तो सबसे नीचे होगा या फिर सबसे ऊपर होगा तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ अभी हमारे पास बन रही हैं हमें दोनों को वन बाई वन वेरीफाई करना होगा केस नंबर वन अगर 400 ग्राम को हम लोग सबसे नीचे ले लें तो देखिए 400 ग्राम से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन है कि इससे थर्ड प्लेस पर 200 ग्राम होना चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 200 ग्राम ऊपर की ओर ले लेंगे ये हमने प्लेस किया अभी फिलहाल अगर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई फोर ग्राम की तो हम ये कह सकते कि फोर ग्राम अब बॉटम में नहीं हो सकता तो हम 400 ग्राम को कहाँ फिक्स कर लेंगे टॉप में फिक्स कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो 200 और 400 हमने पुट कर दिया अब आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है तो हमें यह भी मैंशन था कि जो स्टील बॉक्स है जो स्टील बॉक्स है उसके ठीक नीचे दो ग्राम वाला बॉक्स होना चाहिए यानी हम ये कह सकते हैं 200 ग्राम वाले के ठीक ऊपर स्टील बॉक्स होना चाहिए तो स्टील बॉक्स फिर यहाँ आ जाएगा ठीक है अब देखिए स्टील बॉक्स के सेकंड प्लेस पर गोल्ड बॉक्स आना चाहिए यह मेंशन नहीं है कि यह सेकंड ऊपर आएगा या नीचे दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं या तो स्टील के सेकंड ऊपर गोल्ड बॉक्स आ जाए या स्टील के दो दो प्लेसेस नीचे गोल्ड बॉक्स आ जाए दोनों पॉसिबल कंडीशन को एक एक करके वेरीफाई करते हैं ठीक है अगर इसके ऊपर सेकेंड प्लेस पर गोल्ड बॉक्स आ गया तो देखिए यह बोला गया गोल्ड बॉक्स के कहीं नीचे 350 ग्राम आना चाहिए तो इनमें से कहीं भी नीचे 350 ग्राम आ सकता है बिल्कुल आ सकता है अब देखिए ये भी मैंशंट है कि गोल्ड बॉक्स के ठीक ऊपर आयरन बॉक्स होगा और गोल्ड बॉक्स के क्या ठीक ऊपर आयरन को रख सकते हैं तो टॉप की पोजीशन पर हमने किसे प्लेस कर लिया आयरन को प्लेस कर लिया ठीक है ध्यान रखिएगा ये गोल्ड की एक पॉसिबिलिटी है अगर ये गलत हो गई ना तो गोल्ड को हमें सेकंड प्लेस नीचे रखकर चेक करना होगा ठीक चलिए अब देखो चूंकि ये बताया गया था कि प्लास्टिक के नीचे प्लैटिनम होगा और हमें पता है कि प्लास्टिक और प्लैटिनम में से किसी एक की वेट 400 होगी है ना तो जाहिर सी बात है नीचे प्लैटिनम होगा यहां प्लास्टिक को नहीं रख सकते क्योंकि प्लास्टिक के नीचे फिर प्लैटिनम के लिए जगह नहीं होती तो हम लोग ये कह सकते हैं अभी फिलहाल बॉटम में प्लैटिनम बॉक्स है ठीक चलिए अभी हमने इसे प्लेस कर लिया है अब देखिए जहां आयरन बॉक्स है इससे फोर्थ प्लेस पर एल्यूमिनियम बॉक्स आना चाहिए तो अगर हमने आयरन को यहां रखा है इसके फोर्थ प्लेस पर एल्यूमिनियम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यानी एल्यूमिनियम बॉक्स जो है इसकी वेट आ गई फ़िलहाल 200 हंड्रेड ग्राम्स की ठीक है और एल्यूमिनियम बॉक्स से थर्ड प्लेस पर 150 फिफ्टी ग्राम का बॉक्स आना चाहिए थर्ड वन टू थ्री नीचे नहीं आ सकते तो हमें यहां से थर्ड वन टू थ्री ऊपर यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं बस ये ध्यान रखिएगा ये सारी अभी पॉसिबिलिटीज हैं अगर स्टील के सेकेंड प्लेस ऊपर गोल्ड को रखा है तो अगर ये गलत होता है तो स्टील के सेकेंड प्लेस नीचे गोल्ड को रखना होगा तो G1 है ये गोल्ड वन की पॉसिबिलिटी है और ये गोल्ड टू की पॉसिबिलिटी है यह ध्यान रखना है आपने ठीक है चलिए तो अभी हमने ये प्लेस कर लिया है आगे बढ़ते हैं जरा एक और इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें यह भी बताया गया कि वुडन बॉक्स से जो फोर्थ प्लेस पर आएगा वो 300 ग्राम वाला होना चाहिए वुडन से फोर्थ प्लेस पर थ्री ग्राम वाला होना चाहिए ठीक है तो अगर हम वुडन को यहां रखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थ्री हंड्रेड ग्राम यहां आ जाएगा है ना और वुडन को अगर यहां रखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थ्री हंड्रेड ग्राम यहां आ जाएगा दो पॉसिबल कंडीशंस अभी बन रही है दोनों को चेक करते हैं केस नंबर वन अगर हमने वुडन को यहां रखा तो इससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थ्री हंड्रेड ग्राम यहां आ सकता है चलिए यहां हमने थ्री हंड्रेड ग्राम रख लिया ठीक अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं हमें यह भी बोला गया था कि वुडन की वेट या तो 100 होगी या 350 में से एक होगी वुडन की वेट 100 या 350 में से एक होनी चाहिए ठीक है और जो प्लास्टिक है उसकी वेट 50 या 400 में से एक होनी थी क्योंकि प्लैटिनम की वेट अभी 400 हमने कंफर्म कर दी है तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए हमें प्लास्टिक की वेट 50 ग्राम लेनी होगी तो प्लास्टिक और 50 तो केवल यहां आ सकते हैं यहां आपको प्लास्टिक रखना होगा और यहाँ 50 ग्राम रखना होगा ठीक है और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन थी वो ये कि 50 से 350 ग्राम जो है वो फोर्थ से ज्यादा प्लेस पर होना चाहिए था लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से केवल एक ही बॉक्स बच रहा है दैट इज सिल्वर लेकिन सिल्वर की वेट आनी चाहिए थी 350, 350 नहीं आ रहा है ये मैच नहीं कर रहा है इट मीन्स वॉट कि गोल्ड की जो पहली पॉसिबिलिटी हमने ली थी ना बेटा ये अब सही नहीं है तो गोल्ड की पहली पॉसिबिलिटी अगर सही नहीं है तो अब हमें चेक करना होगा गोल्ड की सेकेंड पॉसिबिलिटी तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी अब जरा इसकी ओर बढ़ते हैं ठीक है तो गोल्ड की सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है अब अगर गोल्ड की सेकेंड पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाए तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नीचे 400 पॉसिबल नहीं फिर हम 400 को ऊपर रखकर चेक करेंगे ठीक है चलिए तो अब स्टील से सेकंड प्लेस पर गोल्ड नीचे की ओर आ जाए फर्स्ट सेकंड यानी G2 ये जो हमने लिखा तो अब गोल्ड को यहां रखकर देख रहे हैं अब देखिए गोल्ड के नीचे कहीं 350 आना चाहिए और अगर गोल्ड के नीचे कहीं 350 आता है तो केवल एक ही जगह बच रही जहां थ्री आ सकता है है ना केवल ये वाली जगह बच रही जहां थ्री आ सकता है ठीक है अब गोल्ड के जस्ट अबव आयरन आना चाहिए तो गोल्ड के जस्ट अबव आयरन यानी आयरन की वेट आ गई 200 हंड्रेड ग्राम्स की तो देखो अब ये प्लेस कर दिया ये प्लेस कर दिया ये प्लेस कर दिया अब आयरन से फोर्थ प्लेस पर एल्यूमिनियम होना चाहिए तो नीचे तो फोर्थ आ नहीं सकते ऊपर ही जाना होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां हम प्लेस कर लेंगे एल्यूमिनियम को ठीक है और एल्यूमिनियम से थर्ड प्लेस पर 150 ग्राम आना चाहिए अब देखिए ये रहा एल्यूमुनियम थर्ड प्लेस तो यहां से देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 150 ग्राम यानी स्टील बॉक्स की वेट आ जा रही है 150 ग्राम तो आयरन एल्युमिनियम और 150 ग्राम को भी हमने प्लेस कर लिया ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं वुडन से थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस पर 300 ग्राम आना चाहिए तो वुडेन को रखने के लिए एक दो तीन जगह खाली बची अगर हम वुडेन को यहां रखें तो इससे फोर्थ प्लेस पर थ्री ग्राम आ सकता है क्या तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ थ्री हंड्रेड आ सकता है जी बिल्कुल आ सकता है ठीक है अब ध्यान रखिए अगर 350 फिफ्टी वुडन की वेट नहीं है क्योंकि 350 एक अलग पोजीशन पर है और वुडन बॉक्स हमने एक अलग पोजीशन पर रखा इसका मतलब वुडन की वेट 350 ग्राम नहीं है तो वुडन की वेट 100 हो जाएगी और थ्री थ्री ग्राम वाला कौन हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा तो 350 ग्राम वाली जगह पर सिल्वर रखना होगा और वुडन की वेट हंड्रेड ग्राम रखना होगा अब देखो एक बचरा दैट इज प्लास्टिक जिसकी वेट लेनी है फिफ्टी ग्राम तो यहां हम लोग प्लास्टिक रख लें और प्लास्टिक की वेट फिफ्टी ग्राम रख लें ठीक है क्लियर अब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा आपने यह ध्यान रखिएगा 350 और 50 की पोजीशन फोर्थ या फोर्थ से ज्यादा होनी चाहिए तो 350 से फोर्थ या फोर्थ से ज्यादा प्लेस पर 50 ग्राम आना चाहिए तो देखो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फोर्थ एग्जैक्ट पोजिशन पर आ रहा है यानी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इनकी पोजिशन फोर्थ या फोर्थ से बड़ी हो सकती थी ठीक है चलिए तो बाकी सारी कंडीशन अब हमारी सेटिस्फाई हो गई देखो 50 के ऊपर कहीं 100 आना चाहिए 50 के ऊपर 100 है ठीक है यह भी सैटिस्फाई हो गया वुडन से फोर्थ प्लेस पर 300 हंड्रेड सेटिस्फाई हो गया प्लास्टिक प्लेटिनम का डिफरेंस निकाल लिया सिल्वर और वुडन का भी डिफरेंस हमने निकाल लिया अब वेट्स का की अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमने 50 यूज कर लिया 100 यूज कर लिया 150 यूज कर लिया 200 यूज कर लिया 250 बचा 300, 350 और 400 हमने यूज कर लिया तो एक वेट बचा था दैट इज 250, तो 250 वेट हो जाएगी एल्यूमिनियम बॉक्स की तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी हमने किया है अगली क्लास में इसके कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर लर्निंग